घर के बहुत ज्यादा है, रसगुल्ले रख लेते हैं घर पर लेके जाएंगे। जब पहले एक बार करो जरा। ओ भाई खतरनाक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे को न्यू ब्लॉग में। तो आज अम्मा आप लोगों का स्वागत करेगी, नए ब्लॉग की स्टार्ट कर रही है अम्मा, करो। हेलो बच्ची बच्चो, बेटी बेटो, बहुत अच्छे, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तो गाइस कैसा लगा अम्मा का वेलकम? अम्मा से कहना नहीं आता, अम्मा को भी सिखा दूंगा धीरे धीरे, फिर तुम अपना ब्लॉग अलग बनाया करियो। अलग बनाऊंगी मैं भी, मेरा तो हो जाएगा, एक रात में कर देंगे। मेरे बेटे बेटा बहुत अच्छे हैं। एक रात में उठा देंगे, एक रात में। एक रात में। ये तो फ्रेंड अभी आया है हमारे दावत का नौता, मोहल्ले में दो शादियां हैं, आज मंडा है और कल जाएगी बारात। तो अभी जान अभी खाने जा रहे हैं हम दावत, कुछ परोस नहीं जाएंगे, पता नहीं। ले भाई ले खा। पेट भर के बहुत ज्यादा है, रसगुल्ले रख लेते हैं घर पर लेके जाएंगे। जब छोटे से वो तो तुझे बचपन क्या था, रसगुल्ले खुले एक खा भी लेता हूँ। गाइस हम आ गए घर पे यार, वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि बोला ही नहीं जा रहा था। दावत खाया आए हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, पहले जेंट्स खाने जाते हैं फिर लेडीज जाती हैं। तो अब अम्मा जा रही है, देखो नई आवाज लगा रहे कि खाना खियाओ। तुम्हारे हाथ में चूड़ भी इतनी इतनी सी है, इतनी ठीक है फिर कोई बात ना, पहना दूँ। जब रखी है तो थोड़ी थोड़ी और पहन लो, वरना सब कहेंगे देखो विपिन की मम्मी है ऐसी। ला उठा कर खाना पहना दूँ। गाइस अम्मा की चूड़े रखी हुई थी पहले की, मैंने कहा पहना देता हूँ, इतनी इतनी सी चूड़े पहन के जाएंगी, सब कहेंगे ये देखो अब विपिन की अम्मा है बेचारी। तो बहुत बड़ा स्टार है जो सब कहेंगे। चूड़ियाँ बहुत छोटी हैं, हाथ अम्मा का बहुत वो है बड़ा, ऐसे पहनाई जाती है। क्या है दबा दबा, मैं के मनियार हाथ हड्डियों में। सूजन है ना गाइस, अम्मा के हाथों पे देखो तो इसे पहनने लग गई। अम्मा के नेल पेंट भी लगा देते हैं। बहना लगवा रही जा, अरे तो ट्रांसपेरेंट है इसमें थोड़ा ना कुछ होएगा। पर मैं ना लगवा रही, अरे ये दिखती ना अच्छी साइनिंग रहेगी बस। अच्छी ठीक हूँ मैं तो, लगा दूँ कोई ऐसा ना, कोई उठा देगा मेरी दावत में से क्या? कोई बात ना, क्या हो गया जब मेरे तुम कोई तो लगाता ना तुम, मतलब हम तो इतने मन से लगा, मैं तुम जब ना लगवाती हो ये मेरे मन ना करता। यू कैसे रंग की देख भी ना रही, ऐसी तो है इसीलिए तो लगा रहे हैं, खाली साइनिंग रहेगी। अम्मा कहते अपन तो काला था काला रहेगा। कहते इसे देखो अब अम्मा की नखून अच्छे लग रहे हैं ना, चमक मार रहे हैं, ये देखो अब अच्छी लग रही हो ना। अच्छी सी धोती बांध के जब जाना और रसगुल्ले ले आना। ठीक है तू भी खाइया। मैं तो खाई आया। दावत खाने के बाद अम्मा के अंदर आ गई बहुत ज़्यादा शक्ति, देखो सारे गेहूँ धोल कर डाल दिए अम्मा ने। और इधर आज मैं दीपक को दे दिए मैंने सिलाई, मैंने कहा दीपक भी धीरे धीरे सीखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब से प्यार किया है तुमसे गोरे से कॉपीराइट आ जाएगा। ये अम्मा का ब्लाउज सिल गया अम्मा को खुश करने के लिए। हाँ इतना खा रहा हूँ कि पहली बार क्लास कैसे देते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को भी सिखाया करूँगा। तो गाइस ये सिल रहा है अम्मा का ब्लाउज। ऐसा शाम होने वाली है, पूरा दिन छुप चुका है, ये देखो सामने, वाह क्या बेहतरीन सीन है गाइस। और ये इधर देखो दीपक को मैंने बिठाया हुआ है, तब से उठन नहीं दे रहा हूँ मैं, आज इसे ब्लाउज सिखा के छोड़ का दिया रे, पूरे दिन से बैठा रहेगा ना, आज इसे उठन नहीं दे रहा हूँ। और चंदा चिकू यहाँ पे ही है, चल जल्दी से, इसने ना मेरा दिमाग खराब कर रखा। ये क्या कर रहा है? जरूरी है ये, जरूरी मन लग रहा है ले बोल ले। ये सही है तेरा बंदर वाला बंदरी वाला डांस होगा के देखा तू बजा। हाँ मैं बजाऊंगा सर, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे यार। कौन सा गाने बजा रहे, गाने बजा रहे, डंग 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 डंग, चल 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 चल, डंग 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 डंग, चल डंग 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 डंग, चलिए अभी बजा के देखा,
अब दोस्तों देखो बसंती बजाएगी वो डपरी डोम 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 तेते जा बोलते जा तू तो सब काम कर लेता है। गाइस दीपक ये कैसा है जो आपको एंटरटेनमेंट करता रहता है? तो कुछ नहीं होता, ये बस देख रही हैं और हंस रही हैं। पूरा संडे से ब्लाउज भी निकाल दिया। आज तुम ध्यान रखो, आज दीपक बैठा हुआ इधर और कल तुम बैठी होगी इधर इसी डंडे के उससे। हम सिलवाएंगे गाइस, अब मैं इन्हें डंडे के जोर से सिलाई सिखाऊंगा सबको। जो जो मेरे अंदर टैलेंट है ना वो मैं इन सब में डाल के जाऊंगा। आखिरकार देखो ब्लाउज सिली दिया है दीपक ने, अपने पास खड़े होकर सिलवा अपने पास बिठा के सिलवाया तो देखो सिली गया है। अब मुझे लगने लगा कि हाँ अब मैं सिलाई सिखा सकता हूँ आराम से। अब कल परसों से जब भी है मैं मतलब वीडियो शुरू कर दूंगा डालना। गाइस सिलाई विलाई सब हो गई है, भूख लगने लगी तेज वाली, घर पर भी खाना बना नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आज क्यों ना थोड़ा सा स्नैक खाया जाए, चिल्ली पटाटो का थोड़ा सा ज़्यादा शौक है। गाइस अभी मैं जाता हूँ चिल्ली पटाटो, देखता हूँ वहाँ पे कौन से ठेले पे ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और एक दूसरी चीज़ है यार, मतलब सब घर के बोल रहे हैं तूने दीदी का दूसरा घर क्यों नहीं दिखाया, दीदी का दूसरा घर क्यों नहीं दिखाया। जब वो दीदी अभी उधर रहती नहीं है, अभी वो घर बना नहीं है, पूरा तैयारी नहीं हुआ, तो अभी उसका दिखाने क्या था यार। जहाँ दीदी रहती है, जहाँ दीदी का मतलब अभी सारा सामान है, सब चीज़ें, मैं वहाँ वही चीज़ दिखाऊँगा ना। मतलब घर के पीछे पड़े हुए सब लोग देखते हैं, उन्हें सब ये कहेंगे कि कितनी गरीब है, कितनी गरीब है। अमीरी गरीब से क्या होता है मुझे समझ नहीं आता यार, पता नहीं। अब इन्हें हर एक चीज़ से इन्हें प्रॉब्लम होती है। गाइस मैं आ गया हूँ बस्ती में अपने, यहाँ पे देखो बहुत ही हाई फाई मार्केट है ये। और मैं अभी आया हूँ यहाँ पे कृष्णा फास्ट फूड पे, इन भैया के यहाँ पे चिल्ली पटाटो खाने वाले कृष्णा, क्या है कृष्णा फास्ट फूड। तो अभी देखते हैं इनके यहाँ पे चिल्ली पटाटो कितने स्पेशल वाले बनाते हैं, ये कह रहे हैं हम अच्छे करके बना के देंगे। बहुत टाइम के बाद अब हमारा नंबर आया, अब हमारा ऑर्डर बना रहे भैया। स्टार्ट हो चुकी है हमारी चिल्ली पटाटो की रेसिपी। गाइस स्पीड देख सकते हो आप, ओ भाई खतरनाक। यही तो स्पेशल वाला मसाला होता है। ऊपर का मत देखा गाइस, ये देखो लगता है तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इसको भैया बताएंगे आपने क्या क्या डाला इसमें? इसमें जी जो हमारी चटनी रहती है वो चटनी के लिए, ये वाइट सिरका, काला सिरका, अच्छा हल्का नमक, थोड़ा जीनो मोटो, अच्छा और जी थोड़ी चिल्ली सॉस, थोड़ी टमाटो सॉस, ये सब मिला के ग्रेवी तैयार हो गई। अच्छा स्पेशल चिल्ली पटाटो बनके रेडी है, ये आप देख सकते हो। अभी खाते हैं फिर आपको बताते हैं इसका क्या रिजल्ट है। ये आएगा इधर, ओ भाई बहुत गर्म है, सच में भैया ने स्पेशल करके बनाया तो स्पेशल है यार। खतरनाक अच्छा है ना, कारीगर बहुत बढ़िया है, कारीगर बहुत बढ़िया। चिल्ली पटाटो खा लिए, बहुत ही बढ़िया बनाए हुए थे भैया ने, स्पेशल करके बनाए थे एकदम स्पाइसी वाले। गाइस सबका निकला हुआ घर से, मैं अब आके बढ़ा हूँ घर में, और घर में आके देखा तो सब लोग सोए पड़े हैं, बस एक अम्मा है जो जागी रहती है, बाकी सब लोग सो जाते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती है, आँख में कुछ गिर गया। तो गाइस वहाँ पे वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, इस वजह से लेट हो गया। दोस्तों अपना ब्लॉग हम यहीं पूरा करते हैं और आज अम्मा करेगी ब्लॉग का लास्ट। अम्मा करो करो नहीं बता, धीरे धीरे कह रही बता क्या कि दोस्तों अपना ब्लॉग यहीं पूरा करते हैं। बेटी बेटो अपना ब्लॉग यहीं करते हैं। अम्मा अपनी भाषा कभी नहीं बोलेंगे, मेरे तो बच्चे हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर लेना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, नए ब्लॉग में मिलते हैं, नए ब्लॉग में सुबह को मिलते हैं। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय सब, बाय।